हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर मीशो हॉल। तो आज मैं आपके साथ मीशो के कुर्ता, बॉटम एंड दुपट्टे का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको कॉलेज, ऑफिस, डेली वेयर के लिए कॉटन प्रिंटेड कुर्ता सेट की रिक्वायरमेंट है, आई एम श्योर आपको आज का कलेक्शन ना बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। बिकॉज आज मैंने ना बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आउटफिट को इंक्लूड किया है, सभी समर्स एप्रोप्रिएट है एंड स्टाइल करने के बाद ना लुक सभी का बहुत अच्छा आ रहा था एंड प्राइस वाइज भी बहुत अफोर्डेबल है। मैंने सभी बिलो 700 की रेंज में ऑर्डर कर रखे हैं। तो अब ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट कुर्ता सेट एंड फर्स्ट आई हैव दिस क्रीम एंड ब्लैक कलर कुर्ता सेट एंड ये वाला कुर्ता सेट इज वेरी नाइस। स्टाइल करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब मैंने इसको मीशो की इमेज में देखा था ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसा रिसीव होगा एंड आई थिंक ना इसको किसी ने परचेज भी नहीं कर रखा था एंड अगर कोई एक आध रिव्यू मेंशन भी था ना तो वो नेगेटिव ही था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। बट मैंने सोचा ऑर्डर करके देखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कुर्ता सेट। ये आपको मिल जाता है क्रीम एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, तीनों चीजें आपको मिल जाएगी इसमें। एंड ये वाला कुर्ता सेट गाइज आप ट्राय एंड पार्ट में देखेंगे, इतना ज्यादा अच्छा है ना, आई कांट टेल यू कि ये स्टाइल करने के बाद कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था। यू कैन सी इसकी कुर्ती आपको इस टाइप से क्रीम एंड ब्लैक कलर में मिल जाती है। स्ट्रेट फिट में ये कुर्ती है, नीचे साइड से आपको प्रॉपर स्लिट मिल जाता है एंड ऑल ओवर दी कुर्ती आपको ऐसे फ्लोरल प्रिंट देखने को मिलता है। यू कैन सी इसका नेक बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, ये आपको मिल जाता है वी शेप में एंड ऑल ओवर दी नेक आपको ना एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। यू कैन सी गाइस आपको ना गोल्डन कलर से इस टाइप से एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, बहुत ही प्रिटी लग रही थी स्टाइल करने में एंड इसके बैक पोर्शन में भी आपको सेम एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। इसकी जो स्लीव्स है आपको 3/4 मिलती है एंड फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में आपको सेम ही प्रिंट मिलता है। बॉटम इसका आपको मिल जाता है पैंट स्टाइल में एंड इसके बॉटम में ना आपको डिफरेंट प्रिंट देखने को मिलता है। इसमें आपको वर्टिकल स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है, फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट हो रही थी इसकी। वेस्ट में आपको मिल जाता है दोनों साइड में इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड एंड इसमें वन साइड में आपको पॉकेट भी मिल जाता है। नाउ इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइज एंड मटेरियल इसका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। यू कैन सी गाइज ये पूरा ना इस टाइप से फोल्ड हो जाता है एंड इतना ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है ना, टच करने में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यू कैन सी आई थिंक ये ना शिफॉन मटेरियल है एंड ऑल ओवर दी दुपट्टा आपको ऐसे कॉन्ट्रास्ट में प्रिंट देखने को मिल जाता है क्रीम एंड ब्लैक कलर से। तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मेरे साइड से हाईली रिकमेंडेड है। आपको ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन तो बहुत देखने को मिल जाएगा बट क्रीम एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। मैंने इसमें अपना साइज ऑर्डर किया है, लेट मी चेक, स्मॉल साइज में ऑर्डर किया इसे मैंने एंड इससे मैंने गो श्रीकी ब्रांड से ऑर्डर किया है। फिटिंग एकदम परफेक्ट हो रही थी मुझे इसकी एंड प्राइस वाइज भी गाइस बहुत अफोर्डेबल है। मैंने ओनली 700 रुपीज में इन तीनों को परचेस किया है, तो आप जरूर ट्राई कर लो, आई एम श्योर आपको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है ये वाला कुर्ता सेट। वैसे इस बार मैंने जितने भी कुर्ता सेट ऑर्डर किए ना सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। तो इस कुर्ता सेट का कलर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी नाइस, स्टाइल करने के बाद ना बहुत से भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कुर्ता सेट। ये आपको मिल जाता है पीच एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, इसकी कुर्ती आपको मिलती है स्ट्रेट फिट में। यू कैन सी गाइस कुछ इस टाइप से इसकी कुर्ती है, काफी अच्छी इसकी लेंथ हो रही थी मुझे। नीचे साइड से आपको साइड स्लिट देखने को मिल जाता है इसमें एंड इसका नेक आपको मिलता है वी शेप में। आई थिंक वैसे इस बार मैंने जितने भी कुर्ता सेट ऑर्डर कर रखे ना सभी की कुर्ती के नेक बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको ना नेक पार्ट में इस टाइप से लेस डिटेलिंग मिल जाती है ऑरेंज कलर से, बैक साइड में भी आपको सेम डिटेलिंग मिलेगी। स्लीव की लेंथ आपको मिल जाती है 3/4 एंड स्लीव के एंड में भी आपको सेम लेस डिटेलिंग मिल जाती है एंड ऑल ओवर दी कुर्ता आपको ऐसा फ्लोरल प्रिंट देखने को मिल जाता है ऑरेंज एंड ग्रीन कलर से फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में। एंड ये जितने भी कुर्ते हैं ना गाइज ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो प्रीवियस वन भी मैंने आपको दिखाया वो भी बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसका बॉटम आपको मिल जाता है पैंट स्टाइल में एंड इसके बॉटम में आपको ना डिफरेंट प्रिंट देखने को मिलता है। यू कैन सी फ्लोरल प्रिंट इसमें दिया हुआ है, फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट हो रही थी इसकी। नीचे साइड में आपको ऐसे लेस डिटेलिंग मिल जाती है जैसे कुर्ते में दे रखी है। इसका वेस्ट आपको मिल जाता है वेस्ट बैंड इलास्टिकेटेड दोनों साइड में एंड यस इसमें पॉकेट भी दिया हुआ है। नाउ इसका जो दुपट्टा है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छा है इसके दुपट्टे का, कॉटन मटेरियल में आपको मिल जाता है इसका दुपट्टा एंड कलर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड ऑल ओवर दी दुपट्टा आपको ऐसा फ्लोरल प्रिंट देखने को मिलता है ग्रीन एंड ऑरेंज कलर से। विड्थ एंड लेंथ मुझे एकदम परफेक्ट हो रही थी एंड इसका जो कुर्ता एंड बॉटम है इसका मटेरियल आपको कॉटन ब्लेंड मिल जाता है, वहां पे यही मेंशन थे
काफी कंफर्टेबल है ये, आराम से होल्ड है, आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। एंड ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइस, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आपको समर्स के लिए, कॉलेज एंड ऑफिस के लिए अच्छे कुर्ता सेट की रिक्वायरमेंट है, आप इसे भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी मैंने अपना साइज, लेट मी चेक, क्या ऑर्डर किया है, स्मॉल ही ऑर्डर किया है। एंड इसे मैंने ना गोशी की ब्रांड से ही ट्राई किया है एंड प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है गाइस ओनली 685 रुपीज। लाइक सीरियसली 685 में आपको पूरा सेट देखने को मिल रहा है, सो आप जरूर इसे कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको लाइट शेड अच्छे लगते हो तो। बहुत ही ज्यादा अच्छा कुर्ता सेट है गाइस ये। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। सो ये वाला कुर्ता सेट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। इसका जो कलर है मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज स्टाइल करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपको डार्कर शेड अच्छे लगते हैं आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कुर्ता सेट। ये आपको मिल जाता है ब्लू कलर में एंड ये ना आपको फ्लोरल स्टाइल में मिल जाता है। यू कैन सी गाइज, इसकी कुर्ती आपको इस टाइप से मिलती है। ऑल ओवर दी कुर्ती आपको मल्टी कलर से फ्लोरल प्रिंट देखने को मिल जाता है। स्ट्रेट फिट में है ये कुर्ती, नीचे साइड में आपको साइड स्लिट देखने को मिलता है एंड ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है बिकॉज ऑफ डार्क कलर। नेक इसमें आपको मिल जाता है राउंड शेप में एंड इसके योक पार्ट में ना आपको एम्ब्रॉयडरी डिटेल देखने को मिल जाती है। यू कैन सी स्लीव्स की लेंथ आपको इसमें मिलती है 3/4 एंड स्लीव्स के एंड में आपको डिफरेंट प्रिंट देखने को मिलता है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में इसमें आपको सेम ही प्रिंट मिलता है। इसका बॉटम आपको मिल जाता है पैंट स्टाइल में एंड इसका बॉटम ना एकदम प्लेन है। इसमें आपको कोई भी प्रिंट देखने को नहीं मिलता है, नीचे साइड में भी फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट हो रही थी इसकी। एंड इसमें वेस्ट में आपको मिल जाता है दोनों साइड में इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड, वन साइड में इसमें पॉकेट भी दिया हुआ है। इसका दुपट्टा बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइज, ये आपको मिल जाता है शिफॉन के फैब्रिक में एंड इसका कलर ना थोड़ा सा डार्क है, मुझे ये वाला कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था स्टाइल करने में। ये ना जो फिरोजी वाला ब्लू कलर होता है ना उस टाइप से। लुक एट दिस कलर, ओ माय गॉड, इतना प्रिटी कलर है ये। आपको एकदम प्लेन दुपट्टा मिलता है, सिर्फ इसके चारों कॉर्नर में ना आपको इस टाइप से लेस डिटेलिंग मिल जाती है। सो बहुत से भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था गाइज ये तीनों का सेट। मैं ये भी आपको हाईली रिकमेंड करूंगी बिकॉज काफी अच्छा है। ये दोनों का मटेरियल आपको कुर्ता एंड बॉटम का कॉटन ब्लेंड मिल जाता है एंड दुपट्टे का फैब्रिक आपको मिल जाता है शिफॉन। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया वाला कुर्ता सेट। साइज मैंने अपना इसमें स्मॉल ऑर्डर किया है एंड प्राइस वाइज भी बहुत अफोर्डेबल है गाइज, ओनली 690 रुपीज में मैंने इन तीनों को परचेस किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड पता नहीं, मैंने आई थिंक जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही थी ना उस दिन ये आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा था, बट मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, अगर अभी अवेलेबल होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। सो ये वाले कुर्ता सेट का आपको पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। ये ना अफगानी पैंट पैटर्न में है एंड इसका कलर इज ऑल्सो वेरी नाइस। ये आपको मिल जाता है व्हाइट एंड पर्पल के कॉम्बिनेशन में एंड ये भी स्टाइल करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इसका मटेरियल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये आपको प्योर कॉटन के मटेरियल में मिल जाता है। तो मीशो में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आपको प्योर कॉटन में कोई अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में कुर्ता सेट मिल रहे हैं। तो मुझे इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड पूरी जो स्टाइल है ना कुर्ता सेट की वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सो यू कैन सी गाइज, इसकी कुर्ती आपको मिल जाती है स्ट्रेट फिट में, नीचे साइड में इसमें स्लिट दिया हुआ है एंड ऑल ओवर दी कुर्ती आपको फ्लोरल प्रिंट देखने को मिल जाता है। यू कैन सी इसकी जो लेंथ है ना मुझे नी के थोड़ा सा नीचे आ रही थी, लाइक जो प्रीवियस वाले कुर्ता सेट है ना उनमें कुर्ती की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा लॉन्ग थी, बट इसका बॉटम का स्टाइल थोड़ा चेंज है इसलिए ये हल्की सी मुझे शॉर्ट थी उनके कंपैरिजन में। एंड इसमें नेक आपको मिलता है वी शेप में एंड इसके योक पार्ट में एंड नेक पार्ट में ना आपको एम्ब्रॉयडर्ड डिटेल देखने को मिल जाती है। इसमें सीक्वेंस से एंड जरी से काफी ज्यादा फिनिशिंग के साथ पूरा काम किया हुआ है। स्लीव की लेंथ आपको मिल जाती है इसमें 3/4 एंड स्लीव के एंड में आपको ना डिफरेंट प्रिंट देखने को मिलता है एंड यहाँ पे ना छोटी सी ऐसे लेस डिटेलिंग भी दी हुई है। आई थिंक ये गोटा पट्टी की स्टाइलिंग है गोल्डन कलर से। इसमें आपको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में सेम ही प्रिंट देखने को मिलता है एंड ये कलर के कारण ना उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं हुई अंदर इनर कैरी करने की। इसका बॉटम आपको मिल जाता है अफगानी पैंट स्टाइल में एंड इसके बॉटम में प्रिंट आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, कलर भी थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको व्हाइट कलर में पर्पल से प्रिंट दिया हुआ है एंड नीचे साइड में ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंट मिलता है एंड यहाँ पे आपको लेस डिटेलिंग दी हुई है एंड ना आपको प्लीटेड पैटर्न भी देखने को मिलता है जिससे इसका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा था। एंड वेस्ट में आपको मिल जाता है इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड एंड इसमें आपको कोई पॉकेट नहीं मिलता है। इसका दुपट्टा आपको कॉन्ट्रास्ट पैटर्न में मिल जाता है, कुर्ते एंड बॉटम का जो मिक्स कॉम्बिनेशन है ना वो इसके दुपट्टे में मिल जाता है। यू कैन सी गाइस, ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छे कॉटन मटेरियल में है, कॉर्नर में आपको ऐसा डिफरेंट प्रिंट देखने को मिलता है। लेंथ एंड विड्थ मुझे एकदम परफेक्ट हो रही थी,
तो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आपको समर्स में अच्छा कॉटन कुर्ता सेट चाहिए आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। एंड इस टाइप की जो सलवार होती है ना, अफगानी सलवार, बहुत कंफर्टेबल होती है समर्स में, आप आराम से इसे पूरा दिन कंफर्टेबल होके पहन सकते हैं डेली वेयर के लिए, आप जरूर इसे कंसीडर कर सकते हैं। साइज मैंने अपना इसमें स्मॉल ऑर्डर किया है एंड प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है ओनली 700 रुपीज। तो प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कुर्ता सेट है गाइज, स्पेशली मटेरियल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। तो ये वाले कुर्ता सेट का कलर इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। ये आपको मिल जाता है पिस्ता ग्रीन कलर में। इस टाइप के कलर समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, स्टाइल करने के बाद ना इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था। इसमें आपको तीनों चीजें मिल जाती है एंड इसके कुर्ते में ना गाइज आपको फ्लोरल प्रिंट देखने को मिलता है मल्टी कलर से। स्ट्रेट फिट में इसकी कुर्ती है, नीचे साइड से आपको साइड स्लिट देखने को मिल जाता है एंड इसका ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, जो पूरा फ्लोरल डिजाइन दे रखा है इसमें, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था कैरी करने में। समर्स के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है। मटेरियल भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इसका, तो आप आराम से होल डे इसे पहन सकते हैं। इसमें नेक आपको मिल जाता है वी शेप में एंड यहाँ पे नेक पार्ट में ना आपको एम्ब्रॉयडर्ड डिटेल देखने को मिल जाती है एंड इसकी स्लीव्स आपको मिलती है 3/4 ऑल ओवर दी कुर्ती। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में आपको सेम ही प्रिंट देखने को मिलता है एंड ये भी बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका मटेरियल आपको कॉटन ब्लेंड मिलता है। बॉटम में इसमें आपको मिल जाता है पैंट एंड इसका बॉटम आपको एकदम प्लेन मिलता है, कुछ भी प्रिंट नहीं किया हुआ है इसमें। फिटिंग एकदम परफेक्ट हो रही थी मुझे इसकी एंड वेस्ट में आपको मिल जाता है इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड एंड वन साइड में इसमें पॉकेट भी दिया हुआ है। दुपट्टा भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा है गाइज, आपको मिल जाता है ये शिफॉन के फैब्रिक में, प्लेन दुपट्टा है, कलर बहुत अच्छा है इसका, जैसे इसकी कुर्ती का कलर है ना सेम वही कलर है एंड चारों कॉर्नर में आपको इस टाइप से लेस डिटेलिंग मिल जाती है, प्रिंट दिया हुआ है डिफरेंट। तो आप साइड में ट्रायन पार्ट में देख सकते हैं कि इसका लुक भी कितना ज्यादा अच्छा आ रहा है। अगर आपको पिस्ता ग्रीन या फिर कुछ डिफरेंट शेड चाहिए ग्रीन के, आप जरूर इसे कंसीडर कर सकते हैं एंड प्राइस वाइज तो बहुत अफोर्डेबल है, ओनली 680 रुपीज में मैंने ये तीनों को परचेस किया है। तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो गाइज। इस बार का कलेक्शन ना मुझे बहुत पसंद आया, सभी के कलर प्रिंट सब कुछ बहुत अच्छे हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आया हो, लिंक सभी की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइज जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड साइड में जो बेल बटन है उसे क्लिक कर देना, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, इंस्टाग्राम हैंडल में स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। नाउ बाय बाय, टेक केयर।